ये गलती अधिकांश सभी लोग करते हैं कि जैसे कि इस तरीके से हमने गाड़ी रोकी, चलाते हुए आए थे और गाड़ी को रोकी और तुरंत बंद किए और बंद करने के बाद आराम से तुरंत निकले, आराम से अपनी गाड़ी से बाहर चले गए जहाँ जाना चाहिए। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। मान लीजिए हमारी गाड़ी चलती हुई आ रही है, हमें कुछ सामान लेना है, तो हम क्या किए, साइड में लगाए और तुरंत खड़ी किए और आराम से ऐसे करके तुरंत गाड़ी बंद कर दिए। ये जो है ये गलत तरीका है गाड़ी बंद करने का। गाड़ी पार्किंग में खड़ी करनी है, हमने क्या किया, रिवर्स किया और इस तरीके से पीछे गई गाड़ी और हमने देखा कि हमारी गाड़ी लग गई है, तो हमने क्या किया, तुरंत गाड़ी को हमने खड़ी कर दी और खड़ी करने के बाद तुरंत हमने गाड़ी को बंद कर दिया, जो कि ये गलत तरीका है गाड़ी खड़ी करने का। इस तरीके की से भी गलतियां करते हैं। मान लीजिए हमारे जानने वाला कोई मिला, हमारी गाड़ी जिस तरीके से है उसी गियर में, हमने क्या किया, गाड़ी को बंद कर दिया। तो इस तरीके से हमें गाड़ी को तुरंत बंद करने का क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने गाड़ी को बंद कर दिया, अब बंद कर दिए, अब गाड़ी तो गैस जिस गियर में है आपने उस गियर में बंद कर दिया, आप क्या करते हो, गाड़ी आपकी बंद है तुरंत आपने बंद कर दिया, तो ये ऐसे नहीं करना चाहिए, जो कि गलत तरीका है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, मैं पीके ड्राइवर आप सभी लोगों को और एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं एक नए टॉपिक पे ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि हम आपको कई वीडियो में मैंने बताया है कि आपको गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, कैसे बढ़ानी चाहिए, कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे गेट डालना चाहिए, कैसे क्लच डालना चाहिए, कई प्रकार से मैंने कई वीडियो बनाई। आज मैं कुछ अलग आपको बताऊंगा जो कि आपको बहुत जरूरी वो जानकारी होनी चाहिए। तो गाइस आज का टॉपिक है ये कि जब हम अपनी गाड़ी कहीं पे रोकते हैं तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या सही तरीका होता है गाड़ी रोकने का। या मान लीजिए कि हम रिवर्स करके अपनी गाड़ी कहीं पार्किंग में या घर के पास या कहीं पे मार्केट में खड़ी कर रहे हैं, उस सिचुएशन में हमें कैसे गाड़ी खड़ी करनी है। तो गाइस आप लोग वीडियो प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो जरूर देखें जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। आपको पता नहीं है कि आप अपनी गाड़ी कैसे बंद करें, आपको पता नहीं आप अपनी गाड़ी की लाइफ कैसे बढ़ा सकते हो, आपको पता नहीं है कि आप अपनी गाड़ी को कैसे मेंटेन रख सकते हो, जो कि बहुत आवश्यक है। सो गाइस आज का टॉपिक है ये कि जब हम अपनी गाड़ी को कहीं, जैसे कि मान लीजिए कहीं जाना हुआ, ऑफिस जाना हुआ या कहीं पे कोई सामान लेने जाना हुआ या कहीं पे जाना है, अपनी गाड़ी को हमको लेके जाते समय मान लीजिए हम अपनी गाड़ी को लेके जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमें कहीं भी रोकना है, मान लीजिए शॉप पे रोकना है या ऑफिस में रोकना है या घर के पास रोकना है या मार्केट में रोकना, कहीं भी रोकना है, तो आपको कैसे गाड़ी रोकना चाहिए, क्या सही तरीका होता है गाड़ी रोकने का कि आपकी गाड़ी मेंटेन रहे, आपकी गाड़ी की लाइफ ज़्यादा रहे, आपके गियर बक्से में, गियर में या क्लच ब्रेक या जो भी पूरे पार्ट्स हैं गाड़ी के, जो कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा चलें। तो गाइस इसी टॉपिक पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरी गाड़ी है। अब सपोज कर लीजिए कि मैं कहीं से आया हूँ, अब यहाँ पे मुझे गाड़ी रोकनी है, तो हम गलती क्या करते हैं कि जो कि हमें इस तरीके से गलती नहीं करनी है। पहली चीज गाइस आपके गियर बक्से में नुकसान होता है, दूसरी चीज आपके क्लच प्लेटों पर प्रेशर पड़ता है, तीसरी चीज आपकी गाड़ी के जो इंजन है, इंजन में जितने भी रिंग पिस्टन वगैरह हैं इन पे भी लोड पड़ता है, कई प्रकार से बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत होती है। इस तरीके से ये गलतियाँ हम ना करें। ये गलती हम कैसे सुधारें, जो कि हम ड्राइवर भाई होते हैं, जो नए बिगनर होते हैं ये गलतियां करते हैं, बट जो सही तरीके से बड़े ड्राइवर हैं या ट्रक वगैरह के या कंटेनर वगैरह के या बड़ी गाड़ियों के जो कि पुराने ड्राइवर हैं, उनको ये जानकारी है कि आप अपनी गाड़ी को कैसे बंद करेंगे। तो गाइस आप लोग वीडियो पे प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, चैनल पे रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती रहे। तो गाइस यहाँ पे आप क्या करोगे कि ये जानकारी छोटी जरूर है बट आपको बहुत ज़्यादा आपके गाड़ी की लाइफ बढ़ाने के लिए ये जानकारी होनी आपको चाहिए। वो जानकारी गाइस क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मेरी गाड़ी स्टार्ट है, अब हम मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, या मान लीजिए ऑफिस जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं या मार्केट जा रहे हैं या किसी के वहां जा रहे हैं, अब इस तरीके से हम जा रहे हैं, तो हमें गाड़ी जब रोकनी है, अभी यहाँ पे गाड़ी चल रही है, तो हम ये गलती कर जाते हैं जो हम नहीं, हमें करनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे क्या किए आप कि गाड़ी आपकी
क्लच दबा के रोक लिया। अब यहाँ पे जो हम सभी लोग हैं लमसम 95% ये गलतियां करते हैं। तो गाइस ये गलती आपको नहीं करनी। कौन सी? जैसे कि गाड़ी यहाँ पे स्टार्ट है, आप देख रहे हो मेरी गाड़ी स्टार्ट है, अब हमें गाड़ी रोकनी है, तो हम क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी क्लच दबा के ब्रेक लगाए और गियर में है, गाड़ी हमारी रुक गई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि तुरंत हम गाड़ी को बंद कर देते हैं इस सिचुएशन में। अब हमारी गाड़ी जब बंद हो जाती है, नंबर एक गलती हम गाइस क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जिस गियर में हम गाड़ी को लेके आए हैं, अब मान लीजिए कि हम सेकंड गियर में लेके आए हैं, तो हम सेकंड गियर में गाड़ी को बंद कर दिए। इससे गाइस क्या होता है कि जिस गियर में आप आए हो उस गियर में आपने गाड़ी को बंद कर दिया है, जो गियर आपके लगे हैं उस जगह पे वो आपके इंजन में गियर बॉक्स में नहीं लगना चाहिए। देखिए गाइस सही तरीका गाड़ी खड़ी करने का क्या होता है कि आप जब आए हैं तो आप अपनी गाड़ी का जो हैंड ब्रेक है आप ऐसे लगा लेंगे, लगा के अपने गियर बॉक्स को गियर को न्यूट्रल कर देंगे, गियर आपका न्यूट्रल है जिससे कि आपका गियर बक्सा फ्री है। इससे गाइस क्या होता है कि आपकी गाड़ी का गियर बॉक्स फ्री है। और एक चीज होती है कि मान लीजिए कि आप तीसरे गियर में आए थे और जब स्टार्ट करेंगे और आप उसी गियर में उठाने कोशिश करेंगे, तो इससे गाइस क्या होगा कि आपके गियर बक्से पे लोड पड़ेगा, फ्यूल ज्यादा खराब होगा और गाइस आपका नुकसान ही नुकसान है, फायदा नहीं। फायदा गाइस केवल आपका इस तरीके से है कि जब आप गाड़ी खड़ी करें आप हैंड ब्रेक का यूज करें और गाड़ी को न्यूट्रल पोजीशन पे खड़ी करें, जो कि सही तरीका है। इससे गाइस क्या होता है कि आपका गियर बॉक्स जो है एकदम फ्री है, एकदम क्लीन है, बढ़िया से है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरी चीज गाइस हम क्या गलती करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम कहीं से भी आए या कोई भी हमें रास्ते मिल गया, कोई भी सामान लेना है या कुछ भी हमें करना है, तो हम क्या करते हैं कि गाड़ी को तुरंत बंद किए और हम गाड़ी को बंद करने के बाद अपना बाहर तुरंत चले गए। तो इस तरीके से आप गाड़ी को गैस बंद करने का जो होता है तरीका प्रोसेस मत करें। इससे गैस क्या होता है कि मान लीजिए कि आपकी गाड़ी आ रही है, कुछ दूरी से आ रही है, आपने क्या किया जिस गियर में गाड़ी थी उस गियर में आपने बंद कर दिया है और आपकी गाड़ी बंद है और आपको आपकी गाड़ी वो जो एकदम फ्री होनी चाहिए थी वो फ्री नहीं है। इससे गैस क्या होता है कि इंजन में लोड पड़ता है, इंजन को मान लीजिए कि आपकी गाड़ी में मोबाइल कम है, ठीक है, छोटी सी बात, आपकी गाड़ी में मोबाइल कम है, अब आप जिस गियर में आए हो वो गियर तो लगा हुआ है, दूसरी चीज जो आपके रिंग पिस्टन होते हैं वो तो गाइस क्या है कि एक तो हीट होते हैं, दूसरी चीज जब वो हीट होते हैं तो उसमें क्या होता है गाइस कि लोड से गाड़ी आई है, मतलब कि गाड़ी चल के आई है, वो तो हीट है ही, हीट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए कि उसको प्रेशर में आनी है, तो गाइस समझाने का बताने का मेरा मकसद खाली ये है कि आप जब भी गाड़ी लेके आए, जब भी कहीं खड़ी करें, तो आप केवल 5 सेकंड दे दें, जो कि 5 से 10 सेकंड दे देंगे तो आपकी गाड़ी की लाइफ बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गाइस देखिए तरीका गाइस यही होता है कि जब भी हम गाड़ी को अपनी खड़ी करें तो न्यूट्रल पोजीशन पे खड़ी करें, जैसे कि यहाँ पे हम न्यूट्रल पोजीशन पे गाड़ी खड़ी हुई हमारी, हैंड ब्रेक का सहारा ले लें, हैंड ब्रेक लगा दें। और दूसरी चीज गाइस क्या होता है कि इंजन को जब आप जिस गियर में होता उस गियर में डाल देते हो, आप मान लीजिए कि आए हो आपके गाड़ी का लोड पड़ा हुआ है, आप उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि जब कहीं से आएंगे, मान लीजिए कि आप थर्ड गियर में आए हैं, आप क्या करेंगे क्लच दबाएंगे, हैंड ब्रेक लगा देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, केवल 5 से 10 सेकंड आपको गाड़ी में देना है जिससे कि आपका इंजन जो है फ्री हो जाए। इंजन फ्री होने के सही तरीके से आपकी गाड़ी की लाइफ ज्यादा बढ़ सकती है केवल 5 से 10 सेकंड देने में। इससे गाइस क्या होता है कि ना तो आपका सेल फंसता है, ना तो आपके गियर बॉक्स में कोई प्रॉब्लम आएगी, ना तो आपका इंजन कहीं से कोई प्रॉब्लम में होगा, क्योंकि आपके जो 5 से 10 सेकंड हैं वो जो होते हैं गाड़ी को एकदम फ्री चलाते हैं, जिससे कि मान लीजिए जब गाड़ी आती है तो वो लोड पे आती है, लोड मतलब कि वो थोड़ा बहुत वजन टाइप में लेके आती है, अब इंजन को लोड लेके आ रही और लोड ना ला ले और आप मान लीजिए फ्री हो जाए, अब मान लीजिए कि आपके ऊपर 10 किलो लदा हुआ है, आप थोड़ा थक जाओगे, परेशान होंगे और फिर आपको पैदल चला दिया जाए कि जो कि बिना
लोड लिए हुए, तो आपको बहुत रिलैक्स होगा। वैसे ही गाड़ी की सिचुएशन है कि आप जब भी गाइस आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी गाड़ी को 5 से 10 सेकेंड जरूर दे दें, जिससे कि गाड़ी का इंजन आपका फ्री हो जाए आराम से, जिसमें कि आपकी गाड़ी को नुकसान ना हो। तो गाइस समझाने का तरीका बस यही था कि आप जब भी गाड़ी कहीं पार्किंग में लगाएं तो आपको 5 से 7 सेकेंड 10 सेकेंड दे देना है गाड़ी को, आपको स्टार्ट न्यूट्रल पोजीशन पे चलने देना है, उसके बाद आप अपनी गाड़ी को बंद करते हो। सपोज करिए ऑफिस में गाड़ी खड़ी कर रहे हो, न्यूट्रल कर दिए, 5 से 10 सेकंड दे दिए, गाड़ी आपकी एकदम फ्री होके चल रही है, आराम से चलेगी। मान लीजिए कहीं रुकना चाहते हो, आप कहीं घर पे पहुंच गए हो, तो आपको केवल 5 से 10 मिनट गाड़ी में दे दें, जिससे कि आपकी गाड़ी का जो संतुलन है वो एकदम फ्री होके एग्जॉर्ब हो जाए और बढ़िया से गाड़ी आपकी मेंटेन हो जाए। तो गाइस आज की वीडियो यही समझाने का मकसद था कि गाइस जब भी गाड़ी आप खड़ी करें, आप गाड़ी कहीं पे भी खड़ी करें, तो आपको 5 से 10 सेकंड जरूर देने हैं, जिससे कि गाड़ी आपकी फ्री हो जाए। फिर बाद में गाइस आपकी गाड़ी जैसे 5 या 10 सेकंड चलाए हैं, उसके बाद आप गियर में डालना चाहते हो, मान लीजिए हैंड ब्रेक का यूज किए हैं, उसके बाद आप गियर में डालना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से गियर में डाल के खड़ी कर दें। इससे गाइस क्या होता है कि आपकी गाड़ी आराम से खड़ी रहेगी। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि गाइस आपको जब भी गाड़ी स्टार्ट करनी है तो 5 से 10 सेकंड पहले स्टार्ट कर दे, स्टार्ट करने के 5-10 सेकंड बाद ही गाड़ी को लेके निकलें। तो इस तरीके से जब भी गाड़ी को आप गाइस ले जाते हो कहीं पे, तो आपको जब खड़ी करनी है तो आराम से पहले उसको 5-7 से 10 सेकंड स्टार्ट रहने दे, उसके बाद जब भी गाड़ी को आप कहीं निकालते हो तो 5-10 सेकंड आपको गाड़ी को स्टार्ट करना चाहिए, और स्टार्ट रहे, स्टार्ट होने के बाद जब खड़ी है आपकी गाड़ी, आपकी 10 और 8-7-10 सेकंड स्टार्ट है, उसके बाद आप अपनी गाड़ी को लेके कहीं जा सकते हो बहुत आराम से, जो कि आपकी गाड़ी की इंजन की और गियर बॉक्स की आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा लाइफ बढ़ने वाली है। तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जिस प्रकार से जानकारी सुझाव चाहिए या किसी प्रकार से आपको कुछ भी जानकारी गाड़ी के विषय में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो गाइस अब आप मुझे इजाजत दीजिए, किसी नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।